아니. 아니, 저기 अरे ओ तू ना हमारी कमर में टक्का सम्मेलन में बिघ्न डालने वाला रुकावट के लिए खेद कौन हो रहा तू खेद नहीं वेद हमारा नाम है वेद बेचारे फुर्सत में हाँ तो बीच जी भी होता तो क्या कर लेता देखिए मैडम हम एक पढ़े लिखे नौजवान है फुर्सत में हाय और हम अमीनाबाद के भूसा मंडी में रहते हैं आप बात कर रहे हो यार तो भूसा मंडी में रहते हो अरे फिर तो तुम गेंडा गदरीली को जानते होगे अरे गेंडा गदरीली मैडम गेंडा गदरीली क्या बोला नेचर है नेचर तुम बात बताओ क्या है हाँ बच्चा बोलो क्या बात है हमारे घर के पास एक गुंडा खानदान की हवेली है दुनाली भवन हम जो है रोज उस दुनाली भवन के सामने से गुजरते रहे हमें ये पता ही नहीं था कि उस घर में एक शादी लायक लड़की भी है जो इस गुंडा खानदान की बेटी है अब उस लड़की का बाप और उसका भाई हम पर जो है गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखे थे और फिर अचानक एक दिन उन्होंने जबरदस्ती क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती अरे वो वाली नहीं तो कौन सी वाली जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती उठवा कर अपनी बेटी के साथ हमारी सगाई करवा दी फुर्सत में क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी उस गुंडा खानदान में शादी नहीं करना चाहता था फुर्सत में ना तो छोरी पसंद ना आ रही तेने देखिए मैडम हमने तो उस लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा क्योंकि हमें उस लड़की के साथ शादी करनी नहीं है अरे मैडम जिस लड़की का खानदान बाप भाई इतने बड़े गुंडे हो वो भला खुद कितनी बड़ी गुंडी होगी हाँ मैडम एक काम कीजिए आप उन लोगों को यहाँ बुलवाकर जरा बढ़िया से समझा दीजिए हाँ भाई तो बुलवाओ ना बुलवाओ गुंडा खानदान ने ओके मैडम डाकू डाकू गज्जू प्रसाद गुंडा कसम तमंचे की बाप है हम छुरी के छुरी इज माई डॉटर रज्जू प्रसाद गुंडा कसम खंजर की भाई है हम छुरी के और छुरी इज माई सिस्टर और ये सिस्टर का मिस्टर होगा कसम खंजर की नक्के बवाल मचा रखा दोनों बाप बेटे ने हा? ना इस छोरे का जीना आराम क्यों कर रखा है हाँ जी जी क्यों जबरदस्ती अपनी छुरी इसके गले बांध रहे हो कोई अंकल कसम तमंचे के कुछ नहीं हो सकता है काहे कि इसको कोनो शिकायत थी तो इसने जो है सगाई के पहले काहे नहीं बोले काहे नहीं बोला कैसे बोलते मुंह में कपड़ा ठूस रखा था आपने और सीने में बंदूक वो भी फुर्सत में मैडम हमारे पूरे गुंडा खानदान में ये बात फैल चुकी है कि ये हमारी सिस्टर का मिस्टर होगा अब इसके फैलने से कुछ नहीं हो सकता मैडम बात बताइए मैडम कि हमारे सिस्टर के दिल पे क्या बीतेगी कसम खंजर की भाई सिस्टर के बर्दर की यो तो बात जाना मन्ने सही दिख है एक सगाई नुमा युवती ना उस फिल्म की टिकट के प्रकार होवे जो एक शो के लिए यदि कटगी तो दूसरे शो में ना चल सके भाई ब्रदर एंड फादर तुम दोनों निकलो नो टेंशन चलो और हम मैडम यू फॉलो मी अरे मैडम आप ये क्या कह रही है अरे सही कह रही है मैडम अरे तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की लपाड़िया है मैडम आप भी ना एक नंबर की अरे भोली है मैडम जी वेद बेचारे हाँ जी भाई थारी समस्या का जो है ना हमारे पास एक समाधान दिख है यदि न यो प्रूफ हो जावे कि वो छोरी न थारे लिए अनलकी हो रही है तो थारी साथ दी टूट सके बेटा देखो यार हम साबित कर देंगे कि वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही अनलकी है देखो सगाई तो तुम्हारी हो ही चुकी है अब बहुत जल्द तुम्हें शारीरिक चोटें आनी शुरू हो जाएंगी जिसका इंतजाम हम करेंगे और उसके बाद तुम्हारे उस गुंडा फैमिली को यहाँ बुलाकर उन्हें बताएंगे कि देखो सगाई के बाद इसे इतनी चोटें आ रही है तो शादी के बाद क्या होगा मर जाएगा बेचारा हाँ। और बेटा कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा उसकी बेटी शादी के बाद विधवा हो जाए नहीं वो तोड़ देंगे तुमसे वास्ता यही है सही रास्ता ओके बाय हमें मंजूर है अरे भाई मंजूर है मतलब ऐसे सूखे सूखे में ही मंजूर है देखो भाई हम इतनी सारी मेहनत करेंगे तो कुछ मतलब 50 50 50 हजार रुपए तो बनते हैं भाई वरना सोच लो
वो दुनाली भवन की गुंडा फैमिली। हमें मंजूर है। बस भैया साहब, तू मन्ने अपनी दिनचर्या का बखान कर ना, मॉर्निंग में क्या करता है तू? अजी देखिए, सुबह उठ के सबसे पहले तो हम अपना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। बस वेरी गुड बेटा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भाई ऐसा है, कल सवेरे तड़के जो है तू अपने दोनों पालतू कुत्तों ने ना इसके पीछे छोड़ दे, ना कुत्ते इसके पीछे भग लेंगे, ना सड़क पे ही वो भगेगा तो लोग जो हैं सड़क पे खड़े हुए विटनेस हो जाएंगे कि भाई इसको तो कुत्ते काट रहे हैं, भगा रहे हैं। बस तो फिर हम इसने बुला लेंगे चौकी में, और साथ में बुलाएंगे गुंडा फैमिली को और दिखाएंगे कि भाई ये लो ना तुम्हारी बेटी जो है इतनी अनलकी हो रही है कि मंगनी पर तो इसके पीछे कुत्ते भग रहे हैं, इसने काट रहे हैं। शादी के बाद बेबिस की जगह कहीं रेबिस ना हो जाए छोरे ने। हमें मंजूर है मैडम, पर वो कुत्ते पालतू ही है ना, काटेंगे तो नहीं? क्या बात कर रहे हो यार, 5 साल से पाल रहा हूं उनको मैं, मेरे कुत्ते पालतू हैं, कोई फालतू नहीं है। चलो अब तड़के तड़के मिलेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू। अरे भाई हमें काहे बुलाया है यहाँ? हाँ हाँ वो आपको बुलाया है, जरा मैडम आ रही है, आप बैठिए ना। अच्छा। उसके लिए दुर्भाग्यशाली हो रही, वो कह रहा अनलकी हो रही तुम्हारी छोरी, वो शादी ना करना मांग रहा। कसम तो मंचे की का कह रही आप? लो भाई आ गया ना, फेस टू फेस खुद ही पूछ लो। और तू नहीं ओके, हाल बना रखा है, हाँप क्यों रहा है? अरे पूछिए मत मैडम, हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो 2 बहुत ही भयानक कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए और हमें भगाना शुरू कर दिया, और हम भी डर के मारे वहां से ऐसा भागे कि भागते भागते वहां एक मैराथन रेस चल रहा था उसमें घुस गए फुर्सत में, और वो कुत्ते वहां भी हमारा पीछा करते रहे और हम भागते रहे, ऐसा भागे ऐसा भागे ऐसा भागे कि मैराथन रेस में हम फर्स्ट आ गए। पर ये देखिए उन्होंने हमें ये ट्रॉफी दी और ये 1,00,000 रुपए का चेक भी दिया फुर्सत में। क्या कह रहे हो? कसम तमंचे की मैडम, आप तो कह रही थी कि हमारी बिटिया इसके लिए अनलक्की है, लेकिन वो तो निकली लक्की। अरे हाँ सिस्टर के मिस्टर, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, कसम खंचर की। ना 50 साल की जो है नौकरी में एक काम कहा था साले से, क्या करके डाल दिया तेने? मम्मी जी हुआ यूं, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो पता चला मेरी बीवी मेरे कुत्तों को लेके मायके चली गई है जी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर ना जी मैंने रोड के कुत्तों को इसके पीछे लगा दिया, उन कुत्तों ने पहले मुझे चाटा फिर जोर से काटा फिर इसके पीछे लग गए फुर्सत में। ना दोपहर में क्या करता है तू? जी दोपहर में हम खाना खाने के बाद मेला पान भंडार में प्रीतम पनवाड़ी के यहाँ पान खाने के लिए जाते हैं फुर्सत में। बस तो यो क्लियर है, ऐसा है ईब जब तू पान खाने जाएगा ना तो गुलगुले ना अपना स्कूटर लेके धार देने की मार देगा थारे में, और आसपास के लोग बिटनेस होंगे कि भाई छोरे का तो एक्सीडेंट हो गया। फिर हम बुलाएंगे यो गुंडा खानदान वालों ने, उनसे कहेंगे कि भाई ऐसा है तुम्हारी तो छोरी इतनी घोर अनलकी हो रही कि सगाई होते ही एक्सीडेंट मरवा दिया, शादी के बाद न जाने के गुल खिलाएगी। ओके मंजूर सही बीओ टेक्निक? हाँ हाँ मंजूर है फुर्सत में। अरे कभी आओ हमारी महफिल में। अच्छा वहाँ आएंगे कभी? चलेंगे है? नहीं चल देना। अरे हमको फिर से काहे बुलाई है थाने में मैडम? भाई सेम प्रॉब्लम ना, सेम कैश पे अटके हम भाई, वो लौंडा मान के ना दे रहा ना, यो कह रहा है कि थारी छोरी ना इसकी बहन ना उसके लिए कतईन लक्की हो रही है, ना यो आ गया भाई ऐसी दुर्गति कैसे होगी थारी, ना इतनी चोटें कहां से लगवा लाया? चोट कैसी चोट? अरे कसम तो मंचे की हमें तो कौन चोट नहीं दिखाई दे रही है। अरे मैडम चोट तो लग ही सकती थी चूना लगा के। का हुआ ये हमारी दुकान पर पान खाने आए तभी वहां एक मोटा सा आदमी स्कूटर पर आया और पिल पड़ा इन पर। अभी तो अच्छा हुआ कि सुपारी लेने के लिए ये टर्न हो चुके थे, हाँ और वो आदमी ने छूटा हुआ आगे निकल गया चूना लगा के। अब आसपास के लोगों ने तो देख ही लिया था एक्सीडेंट हुआ है, बस फिर क्या था, हमने एक्सीडेंट क्लेम का फार्म इनसे भरवा के इनकी सिग्नेचर ले ली चूना लगा के।
भाई हम पनवारी के साथ साथ मेडिक्लेम एजेंट भी हैं चूना लगा के। अब इन्हें मिलेंगे पूरे 1,00,000 रुपए चूना लगा के और हमें हमारा कमीशन चूना लगा के। अरे देखा सिस्टर के मिस्टर, हमारी सिस्टर कितनी लकी है, कसम खंजर की। चलो डैड, अरे चलो आओ हमरे लिए जरा पान बनाओ बेहतरीन। पॉलिसी है आपकी पॉलिसी? अरे पान न सड़े न लौट ना सकता था स्कूटर के आगे तू, न गुलगुले को कान निमटाया आया। मैं यहाँ हूँ मैडम। मैडम मैं तो स्कूटर पे फुल स्पीड इसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट मिनट इसने टर्न मार डाला और मैं स्कूटर के साथ जाके गिर गया इनटू गंदा नाला। टूट गया हूँ मैडम, टूट गया हूँ, टूट गया हूँ मैं। सॉरी हाँ भाई, वो मुड़ गया, टाइमिंग मिस्टेक। मैडम कोई तो और रास्ता होगा ना फुर्सत में? अरे न शाम का के प्रोग्राम होता है थारा? शाम को? जी शाम को तो हम मंदिर जाते हैं फुर्सत में। तो भाई ऐसा है कि मंदिर की सीढ़ियों से न जत्तू उतर रहा होगा तो इतने में गोपी आके जो है। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। ओके तो गुलगुले नॉट अगेन मैडम, नॉट अगेन, नॉट अगेन। अरे तो जो की तन्ने तंगड़ी मार के गिरा देगी सीढ़ियों पर से। ओके न फिर जो है जब तू जख्मी हो जाएगा तो हम उन गुंडा फैमिली से कह देंगे कि यो देखो भाई छोरी से सगाई करके यो तो जख्मी हो रहा है, तो छोरी उसके लिए अनलकी हो रही है। ओके और इस बार ना इस गुंडा फैमिली ने ना इतना घनी जल्दी ना बुलाऊंगी मैं। क्लियर है? जी क्लियर है फुर्सत में। तो निकल यहाँ से फिर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी टर्न क्यों मारा था तुमने? सॉरी सॉरी तेरी तो के? मैडम इनका धक्का हमें लगा जरूर, पर उस धक्के से हमारा धक्का उस बुड्ढे को लग गया जो कि अपनी बेटी के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नहीं, इसका धक्का लगा उसे बकायदा, लेकिन मैडम उस बुड्ढे का हो गया फायदा। हाँ मैडम, उस बुड्ढे की बेटी उस बुड्ढे को मंदिर में रोज इसीलिए लेकर आती थी ताकि उसकी याददाश्त वापस लौट आए। इनके धक्के से हमारा धक्का उस बुड्ढे को ऐसा लगा कि उस बुड्ढे का सर जाके दीवार पे लगा और उसकी याददाश्त वापस लौट आई। मैडम वो बुड्ढा करोड़पति है, वो इतना खुश हो गया हमसे कि ये देखिए उसने हमें 5,00,000 रुपए का चेक दे दिया और उसकी बेटी इतनी खुश हो गई हमसे कि वो कहने लगी सुनिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी? जबान ने छोड़ दिमाग ने चला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकट झरकाओ कैरेक्टर गिराओ आइडिया आ रहा है। मैडम आप कैरेक्टर गिरा दीजिए। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम, आपका कैरेक्टर नहीं इसका कैरेक्टर गिरा दीजिए। बड़ा साफ साफ जो है ना खुल के बोल ले वरना तन्ने खोल दूंगी मैं। मैडम ये वक्त सीढ़ियों से गिरने का नहीं बल्कि नजरों से गिरने का है। उस लड़की ने इससे कहा है कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना उस लड़की के बीच और इसके बीच सब कुछ करवा दें। मैडम मतलब उस लड़की की जरा मदद ले ले बस उतना ही। हाँ जी जी मम्मी जी, इंसान एक बार ससुराल वालों की नजरों से गिर जाए फिर वो उठ नहीं सकता। अब मुझे देख लो जी, एक बार मेरी सास ने मुझे मेरी पड़ोसन चुम्मी चावला के साथ मुझे पकड़ लिया था। हाय हाय, वो अब तक मुझसे बात नहीं करती, बस आती है मुझे पीट के चली जाती है। बस यो सही है भाई, ऐसा है मैं अपने राम लखन की बात कतई ना टाल सकती हूँ। तो ईब तो तू वही करेगा जो हम कहेंगे, और ईब वही होगा जो मंजूर है चंद्रमुखी चौटाला होगा। ईब तू बोल तन्ने मंजूर से। मंजूर है मैडम फुर्सत में। कसम तो मंच की सब क्या है?
कसम खंजर की, ऐसा आवारा लुच्चा यास चोर हो सकता, मेरी सिस्टर का मिस्टर नहीं हो सकता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी बड़ा शराबी, जुआरी और अय्याश किस्म का इंसान हूं। क्यों जाने मन? अब तो ये तमंचा चल के रहेगा, कसम तमंचे की। अरे आप तो चुप रहिए, आपका तमंचा कभी चला है? एक्सक्यूज मी, आज ये तमंचा चल के रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं डैडी, कसम कटारी की, आप माने या ना माने, मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैंने सिर्फ अंगूठी से नहीं, दिल से दिल की सगाई की है। और अगर आपको इनको मारना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। बस यो हो रही है 100% शुद्ध देसी घी से बनी भारतीय नारी। और क्या कह रहा था तू, ना यो बैड लक ला रही है ना फर्स्ट डे से, यो तो थारे लिए गुड लक ला रही है। और आज जो है इसने कमाल कर दिया, ना थारी जान भी बचा ली। और यो कहां से सुन लिया तैने हैं कि बुराई के घर बुराई जन्म लेती है। स्कूल गया था है मोहल्ले वालों से, किसी से सुना नहीं है तैने, इतनी फेमस कहावत हो रही है कि कीचड़ में ही कमल खिला करे। मन ने पता था आज जो है ना यो स्थिति जरूर उत्पन्न होगी, इसलिए छोरी को ले आई मैं थाने में। ये हुआ क्लियर कि रट्टा बजाऊं? आप सही कह रही मैडम, मैं ही गलत था, मैं ही नादान था जो अपने गुड लक को बैड लक मानता रहा। थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। क्या? जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वाह जीजा जी वाह, अब हुई ना बात। ये मैडम, मैडम लकी की अनलकी भाई, ये छोरी अनलकी होती तो निमट गया होता अभी तक। लकी हो रही है तभी तो जीवित खड़ा है। आप ठीक कह रही है, आप ठीक कह रही है, मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, इसी लड़की के साथ। ये हुई ना बात। अरे यार नहीं भाई, एक्सक्यूज।